जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के लेक्चर में हम करंट अफेयर का रिवीजन क्लास लेंगे जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी की करते हो, बैंक की करते हो, रेलवे की करते हो, या अदर कोई भी यूपी पुलिस की करते हो या दिल्ली पुलिस, सभी एग्ज़ामों के लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने 6 मंथ के करंट अफेयर तैयार कर लिया है तो एक बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो आपका 100% है करंट अफेयर तैयार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? ठीक है, यानी कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना, आपसे यही पूछा जा रहा है। चीन बना, जापान बना, यूएसए बना या भारत? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। यानी भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा पहला उत्पादक देश है। तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहला उत्पादक देश चीन है। कौन है? चीन है। कच्चे इस्पात का पहला उत्पादक देश चीन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया? तो किस संस्था ने लॉन्च किया, आपसे यही पूछा जा रहा है। इसरो ने, नासा ने, या दोनों ने मिलकर, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नासा ने। नासा ने ये कौन सा मिशन, आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका रॉकेट दिख ही रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। अब पूछ सकता है कि नासा के कहाँ से ये लॉन्च किया गया, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, ठीक है, इसे लॉन्च किया था। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की? तो अगर आपके सामने चित्र आ गया तो इनको आप लोग पहचानते होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम लॉन्च किया। ठीक है फ्रेंड्स, और उत्तर के प्रदेश के बारे में आपको क्या जानना चाहिए, आपको ये पता रहना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसमें कितने जिले हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि इसके राज्यपाल कौन हैं, कौन है, यानी राज्यपाल इसके कौन हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, आनंदी बेन पटेल जी हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे यूपी से संबंधित, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, डीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? ठीक है, ये डीना बोलुआर्टे आपके सामने दिख रही हैं, ये किस देश की पहली राष्ट्रपति महिला बनी है आपको बताना है, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑकलैंड या पेरू? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरू। पेरू की यह प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। ठीक है फ्रेंड्स, अब पेरू में और क्या आपको याद रखना चाहिए, जैसे पेरू की राजधानी, तो आपको पता रहना चाहिए इसकी राजधानी लीमा होती है। मुद्रा क्या है, पेरुई निवो शोल होता है, पेरुई निवो शोल। ठीक है, ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये फ्रेंड दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी जनसंख्या अगर आपसे पूछ ले कितनी है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 33.72 मिलियन, यानी 33.72 मिलियन। ठीक है, ये विश्व बैंक का रिकॉर्ड है 2021 का। कब का है ये, 2021 का रिकॉर्ड है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज के लेक्चर में हम टॉप 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? यानी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, ये 19 वर्ष के थे, तो इनका नाम क्या है आपको बताए, आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमार
कौस्तव चटर्जी। कौन है? इनका नाम कौस्तव चटर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे इसमें पूछ लेता है किस खेल के अकॉर्डिंग, यानी किस खेल से ये संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, ये MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में 2022 में ये ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछ लेता है ये कहाँ के निवासी हैं। तो ये फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पश्चिम बंगाल के 19 वर्षीय कौस्तव चटर्जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछ ले सकता है आपसे कि ये पश्चिम बंगाल के चौथे ग्रैंड मास्टर बने। तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर हैं। कौस्ते हैं 10वें ग्रैंड मास्टर हैं। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट जिसको आपको पता रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए है आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा लेक्चर तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।